21 जुलैला तुझ्या तुम्ही हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित करण्यात आलाय. उत्तम कथा, आकर्षित करणारे मनमोहक संगीत तथा गोड गाणी व स्थानिक कलावंतांचा उल्लेखनीय अभिनय, तुझ्या तुम्ही हा चित्रपट एकदा तरी चंद्रपूरकरांनी बघायला हवा. चंद्रपुरात राजकला या चित्रपटगृहात रोज 12 ते 3 शो सुरू आहेत. सोमय्या फिल्म्सची ह्या चित्रपटाची निर्मिती असून डॉक्टर शंकर चौधरी यांनी केले आहे. स्थानिक कलावंतांना प्रोत्साहित करण्याकरता तुझ्या तमी हा चित्रपट संपूर्ण कुटुंबासहित चित्रपट गृहात नक्की जाऊन बघा. मला असं वाटत आहे म्हणजे मी खूप थँक्यू लावू सगळ्यांसाठी की ते स्वतःहून तिकीट घेऊन आले. सगळ्यांनी चांगला रिस्पॉन्स दिला, कुठून उठून नाचत होता. त्यांचं इतकं बढिया माहोल झाला होता थिएटरमध्ये की मजा येऊन गेली मला पण. फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाऊसफुल झाला आहे. तुझ्या तुमच्या आमच्यासाठी माझ्या फिल्मसाठी एक खूप मोठी अचीवमेंट आहे. मी फर्स्ट मूवी पहिली मूवी होते हुए भी हाउसफुल हो गई है और यही मजा है. तुम्हें फिल्म का और तुम्हें फिल्म एक्शन हमने दिखाई है, जो फैंस हमने दिखाए, जो गाने हमने बनाए हैं वो जरूर आप आके देखिए. मैं जैसे लोगों ने आपके मुझे प्यार दिया है, हमारे मूवी को प्यार दिया है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि सब आके एक बार जरूर ये मूवी देखें और जो एक बार देखता है वो जरूर दोबारा देखेगा, ये मैं बोलता हूँ. लेकिन जिस तरीके की एक्टिंग है, जिस तरीके की डायरेक्शन है, म्यूजिक है, आपको अपने आप को पिक्चर समझ में आ गया. आपको भाषा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. इसमें प्रेम की भाषा है, इसमें एक्शन की भाषा है, इसमें जो डायरेक्शन की भाषा है, मूवी हम लोग देखते हैं. मगर अब पब्लिक का पहला शो होने के बाद हम आपसे पूछना चाहते हैं, पब्लिक का रिएक्शन देखिए और अपना प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में देखिए, आपको कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है, पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है और नए लोगों को देख के लोग पब्लिक खुश है, उनको अच्छा लगा सबका काम. और मेरा पर्सनली मानना है कि जो नए लोग काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए. चंद्रपुर के जो लोकल कलाकार रहा, सभी लोगों ने अच्छा काम किया. अब मैं आमतौर पर किसी एक का नाम नहीं रखता, बाकी जितने भी कलाकार हैं चंद्रपुर के. तो आपने इसके पहले भी कई मूवीज की है, मैंने आपको आपको यहाँ पे एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर क्या यूएसपी लगा, यूनिक पॉइंट क्या लगा आपको और चंद्रपुर के लिए क्या विशेष संदेश है? यूएसपी मतलब फिल्म का जो यूएसपी था वो अच्छा लगा मुझे. मैं जब ज्वाइन हुआ तब मुझे डिस्कस करेगा, मुझे लगा कि अच्छी फिल्म है, तो इसको और अच्छा बना सकते हैं. और फाइनली आउटपुट आप लोगों ने देखा, आप लोग सबको पसंद आ रही है और सब एंजॉय भी कर रहे हो और पब्लिक को पसंद भी आएगी और पब्लिक देखने के लिए आएगी, क्योंकि ये पारिवारिक रोमांटिक लव स्टोरी है जो म्यूजिकल लव स्टोरी है. धन्यवाद संजय जी, हम आशा करेंगे कि आप चंद्रपुर के और भी कलाकारों को ऐसे ही मौका देते रहेंगे. मैं ऑलमोस्ट 4 फिल्में शूट किया हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मेरी जबिधर में ही ज़्यादा शूट हुई है. दर्शक के रूप में यहाँ पे मूवी देखिए सर, तुम्हारा असं वाटतं एज अ क्रिटिक एज अ एक्सपर्ट मी काय सांगतो कृपया फिल्मची विषय चांगल्या पद्धतीनं हा चित्रपट बनवला आणि या चित्रपटाची थीम ही सगळ्यात मला आवडली आहे. कारण तुझ्यातनी तयार पद्धतीचा आवडलेला आहे आणि विशेष करून सगळ्या चित्रपटाची जे संगीत ते दिलं आहे, जे गाणे आहेत, ते बोलणीय गाणी आहेत, आवडणारे गाणे आहेत आणि ते नेहमी वाजवणारे नेहमी असे ते गाणे आहेत. फ्युचरमध्ये जे जिल्ह्याच्या जागतिक एक नवीनता आपली जनजागृती जोड देत आणि हा चित्रपट मला वाटते की अतिशय चांगला, सगळ्यांना आवडतील, सगळे चित्रपट विषय आवडीनं पाहतो. मला वाटते की पुन्हा एकदा हा पिक्चर बघितला पाहिजे आणि निर्माते आहेत. मेरे साथ में अंकिता पीयूष अंबेडकर जी है जो कि प्रोड्यूसर की फैमिली से है. मैडम अभी तक हमने यहाँ पे व्यूवर्स का व्यू जाना, बच्चों से लेके जवान से लेके बूढ़े तक सब बोल रहे हैं मूवी बहुत अच्छी है, मगर एज ए प्रोड्यूसर व्यू कि उस फैमिली से बिलोंग करती था, आपको कितना सेटिस्फेक्शन इस मूवी को देखने के बाद? मुझे 100%
सेटिस्फेक्शन हुआ। इट्स अ फुल एंटरटेनमेंट मूवी, कॉमेडी बहुत है उसके साथ, एक बोले ना म्यूजिकल लव स्टोरी, वो पूरा मतलब एक ही गाना इतना अच्छा है क्या बताएं। तो मुझे तो पूरा एंटरटेनमेंट हुआ, एक मिनट भी बोर नहीं हुआ। और कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा आपको? मुझे जो लास्ट पार्ट था आई डोनेशन वाला, उन्हें इतना प्यार हो गया कि एंड में उन्होंने अपनी आंखें भी दे दी उन्हें। यानी पारिवारिक मूवी होने के अलावा सामाजिक संदेश भी दे रही है। हाँ, सामाजिक संदेश और वो क्या बोलते हैं, टाइटल को एकदम रिसेंबल कर रहा है कुछ आदमी। तो एज एन प्रोड्यूसर आई, 1 to 10 की स्केल में आप क्या रेट करेंगी? 10। क्या बात है, 10 रेट कर रहे हैं। और आगे देखते हैं पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या होता है। थैंक यू। अब जो व्यक्ति और व्यक्तिमत्व यहाँ पर उपस्थित है वो चंद्रपुर के सक्षेप तो है ही, मेरे भी परम मित्र में से बोल सकता हूँ। बिल्कुल है, आइए। तो इनका एक सपना जो कि मैंने भी इनके साथ में कई साल जिया हूँ, किसी मूवी का जो थिएटर में रिलीज हो रही है उसका डायरेक्टर बनना, आज साकार हुआ डॉक्टर का। आपकी मेहनत हमने आपको देखी है और आज का दृष्टि देखिए, फाइनल प्रोडक्ट देखिए, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो काम कर रही है, और मेरे सब कलाकार, मेरे साथ डायरेक्टर, इन सब लोगों ने मेरे लिए मेहनत की है और मेरे साथ मेहनत करने लगे। मुझे बहुत है आज आपको, और आज जो सोचू गया ये मेरे सौभाग्य की बात। क्या चैलेंजेस आपके बीच में हम बदल रहे हैं डायरेक्टर? ये पेशेंट का नाम है और हम खुशी खुशी कर रहे हैं, हमारी पूरी सहायता कर दीजिए। ओके, तो अब आगे आपके उपक्रम होंगे और जितने मिलेंगे विधर्म का और चांस मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, मेरे 2 फिल्में भी ऑफलाइन में हैं, इनमें तो मेरे को भगवान भी आ रहे थे। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर शंकर चौधरी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनसे बहुत बहुत। दोस्तों मेरे साथ में एक ऐसा व्यक्तिमत्व खड़ा है जिसने चंद्रपुर में एक बार नहीं बार बार इतिहास बनाया है, तो एक बार ताली तो बनती है जोरदार अपने सब के लिए, जिन्होंने चंद्रपुर में करोड़ों की मूवी बना के यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मौका दिया। और सर भागदुखी होती है जब प्रीमियर शो होता है, और आज का रिस्पॉन्स जिस तरह से हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा और पब्लिक खड़े होकर ताली बजाने की नाच रही थी, आपको कैसा लगा? देखो ये इवेंट का बहुत पहला क्वेश्चन है मेरे बाद में आया, कभी मूवी की फील्ड में आया हूँ, और मुझे भी पहले क्वेश्चन मार्क था जब मुझे आज पहले दिन प्रीमियर शो, पहले शो में हाउसफुल का बोर्ड लगेगा, तो मेरे ब्रेन में एक शंका थी, क्वेश्चन मार्क था, और वो पब्लिक ने करके किया। दिस इज अ वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छी मूवी, गाने तूफान है, और उसको और फुल करने वाले लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उस पब्लिक को और पूरे महाराष्ट्र भर के लोगों ने थिएटर में आके डांस करना है। ऐसे गाने पूरे गणपति में बजेंगे, पूरे देवी के नवरात्र में बजने वाले गाने हैं, और मैं सभी को निमंत्रित करूँगा। ये मुझा भी मराठी मूवी बिग बजट चंद्रपुर में बनी है, चंद्रपुर के में ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार है और मुंबई के कलाकार है, और सब मिल के ये हमने जो बनाई मूवी को, अरे सर अरे ऐसा मैं समझता हूँ दोबारा इस मूवी 10 साल के बाद बनेगी, तो लोगों ने इसको भूलना नहीं है, इसको देखे बगैर भूलना नहीं, एक बार नहीं कम से कम 2 बार देखो, और चंद्रपुर वासियों को तो मैं बोलूंगा आपको, आपको बार बार देखना, इतिहास बनाना है चंद्रपुर में, ऐसा मैं समझता हूँ। जय हिंद, जय भारत।